हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनजी स्टडी स्टूडियो। दोस्तों प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे बहुपद का इंट्रोडक्शन। बहुपद क्या होते हैं, बहुपद की खाद क्या होती है, बहुपद जो है किस कितने प्रकार के होते हैं वो हम आज जानते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक बहुपद। इंग्लिश में बोलते हैं इसको पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल। ठीक है, बहुपद, बहुपद वो होता है जिसमें चर और अचर दोनों आते हैं, यानी कि वेरिएबल और नॉन वेरिएबल की फॉर्म को बहुपद बोला जाता है, पॉलीनोमियल बोला जाता है। ठीक है, उसमें जो पॉलीनोमियल जो होता है, बहुपद की जो हद होती है, जो बहुपद होता है, एक होता है एक चर वाला, एक चर वाले वाले एक ही समीकरण, और एक होते हैं दो चर वाले रेखीय समीकरण। इन दोनों में एक चर वाले में वन वेरिएबल आया था, दो चर वाले में टू वेरिएबल्स आए थे, इसके बाद में और भी वेरिएबल्स आ सकते हैं, यानी कि जो है अब इसके बाद में जो हमारा यहाँ पे 10th क्लास में चैप्टर नंबर 2 में जो बहुपद है वो हमारा एक चर वाला दे रखा है, वन वेरिएबल वाला दे रखा है, यानी एक्स वाली फॉर्मूला दे रखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं बहुपद। बहुपद क्या होगा जिसमें एक्स वेरिएबल, एक्स वाई जेड एक्सेट्रा जो भी होगा, इनकी जो पावर होगी कि घात यानी पावर, तभी ऋणात्मक यानी कि फ्लेक्सिबल दशमलव यानी डेसिमल और अपर में नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। जो बहुपद की घात होगी वो घात x y z की जो घात है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, फ्रैक्शन में नहीं होगी, डेसिमल में नहीं होगी, और इरेशनल नंबर तो होगा ही। ठीक है, अब बात करते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात इसको बोलते हैं डिग्री। डिग्री जो होती है किसी भी बहुपद की घात, किसी भी बहुपद की घात उसकी उच्चतम घात, उच्चतम घात यानी मैक्सिमम पावर को कहा जाता है, यानी कि एग्जाम्पल में देखें तो एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, इसमें बहुपद की जो घात होगी, बहुपद की घात जो होगी वो यानी x पावर 4, एक्स पावर जो मैक्सिमम है यहाँ पर 4 है, तो एक्स जो बहुपद की घात होगी वो 4 हो जाएगी। ठीक है, अब बहुपद में घात कौन में जानी है, बहुपद कौन कौन से हो सकते हैं वो भी हमने
बता दिया, जैसे एग्जाम्पल में हमने कहा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स, क्या ये बहुपद है? ये बहुपद नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर माइनस वन हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो एक्स पावर माइनस वन हो जाएगा, और ये कभी भी बहुपद नहीं है, नहीं हो सकता, बहुपद नहीं है। ठीक है, तो ये बहुपद नहीं है। अगर नेगेटिव पावर आ गया तो बहुपद नहीं होगा, अगर x की पावर को 1 ओवर 2 प्लस 1 दे रखा है तो बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अगर रूट में दे रखा है तो नहीं है, यानी कि बहुपद वो होंगे जिसमें की पावर जो है नेचुरल नंबर होगी, 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा, जो है इस तरीके से पावर होगी, वही जो है बहुपद होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं रैखिक बहुपद की। रैखिक बहुपद क्या होते हैं? जिसमें चर की घात, चर मतलब वेरिएबल की घात अधिकतम एक होती है। ठीक है, यानी कि एक से अधिक नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल में 2x प्लस 1, 3x माइनस 2 माइनस 1, 2x माइनस 1, इस तरीके से मतलब रैखिक बहुपद ये होंगे, x पावर 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं द्विघात बहुपद की। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद में क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जिसमें चर की घात वेरिएबल की घात तो होती है। ठीक है, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 1, 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इस तरीके से जो है द्विघात बहुपद होगा जिसमें की मैक्सिमम पावर जो होगी वो आपके 2 होगी। ठीक है, अब त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद में क्या होगा? जिसमें चर यानी वेरिएबल की घात 3 होती है। बाकी क्या होते हैं त्रिघात बहुपद होते हैं, ट्राई पॉलीनोमियल। ठीक है, वो होंगे आपके, उसका एग्जांपल जो होगा 2x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, 3x की क्यूब प्लस 2x प्लस 1, इस तरीके से जो है इसके एग्जांपल हो जाएंगे। इसके बाद में त्रिघात के बाद में चार घात वाले होते हैं, पांच घात वाले होते हैं, तो वो सब क्या है? बहुपद कहलाएंगे। ठीक है उनका, आइए बच्चों आप शुरू करते हैं द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद के बारे में जानेंगे। द्विघात समीकरण जिसे बोलते हैं, द्विघात समीकरण जिसमें भी एक्स की घात या वाई की घात दो होगी। ठीक है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इसका जो व्यापक रूप होता है, जनरल फॉर्म, व्यापक रूप जो होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहां पे ए जो होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, बी जो होता है वो एक्स का गुणांक होता है, सी जो होता है वो अचर पद होता है। यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट बी हो जाएगा और कांस्टेंट वैल्यू सी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जिस बहुपद की घात, जिस बहुपद की घात, ये जानने योग्य बात है, एक नंबर में कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि जिस बहुपद की घात जितनी अधिकतम होगी उसके मान उतने ही होंगे, उसकी वैल्यू उतनी ही होगी। यानी अगर इसकी घात 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो वैल्यू 2 होंगी। अगर पावर 3 हो जाती तो वैल्यू 3 हो जाती, अगर वैल्यू पावर 4 हो जाती तो वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू 2 होंगी, और 2 वैल्यू हमने मान ली, एक अल्फा एक बीटा, मान लीजिए कोई भी वैल्यू
आप जो है पी टी आर एस कुछ भी मान सकते हैं, मैंने अल्फा और बीटा मानी, इसके दो वैल्यू होंगे, दो शून्य होंगे, जो शून्य होंगे वो दो होंगे शून्य, इसमें होते हैं रूट्स, ठीक है, जो रूट्स होंगे वो दो होंगे अल्फा और बीटा। अब जो मूलों का योगफल होता है, मूलों का योगफल वो होता है आपका सम ऑफ रूट्स जो है अल्फा प्लस बीटा जिसे बोलते हैं, यहां पर लिखते हैं सम ऑफ रूट्स ऑफ द जीरोस, जीरोस भी बोलते हैं, ठीक है, वो होगा आपका माइनस एक्स का बराबर अपॉन एक्स स्क्वायर का बराबर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसी तरीके से मूलों का गुणनफल जो है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणनफल, यानी अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए हो जाता है, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जीरोस जो भी आता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा, यानी कि हम अगर ये कहें कि अगर कोई हमने ओवर को सॉल्व किया, हमने इसके फैक्टराइज किए, फैक्टराइज करके दो वैल्यू आई थी इसकी, उन दो वैल्यू को अगर इस इक्वेशन में जो सम ऑफ रूट्स है अगर इन दोनों को प्लस करेंगे हम जो दो वैल्यू आएंगे वो हमेशा इसके इक्वल आएंगे, अगर हम उनका मल्टीप्लाई करें प्रोडक्ट करें तो हम हमेशा सी अपॉन ए के इक्वल ही आएंगे, आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है इस एक्सरसाइज से संबंधित कुछ फॉर्मूले जो कि आपको यूज करने होंगे, ठीक है। अब बात आती है कि समीकरण द्विघात समीकरण किस तरह की समझता है, द्विघात समीकरण बनाने द्विघात समीकरण बनाने का तरीका किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी हमारी, वो ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जी, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर जी, ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जी, ठीक है। तो ये आपके इस एक्सरसाइज से संबंधित कुछ क्वेश्चन, जिससे कि आपकी एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब